चप्पे चप्पे की खबर, बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर। ये आपको मैं लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देखिए नरेला के, ये देखिए हालत नालियों के, ये देखिए, ये है नरेला एमसीडी की सफाई, ये देखिए तमाम बिल्कुल भरी हुई है, ये देखिए हालत ये नरेला की है। हाँ ये देखिए हालत, देखिए सर, ये बताए नाम क्या है आपका? मेरा नाम राहुल है। सर राहुल जी बताए सफाई कब से नहीं हो रही है, बताइए यहाँ पे। यहाँ पे भैया मैंने तो देखी नहीं कभी, सारे साल 1.5 साल से तो मैं देख रहा हूँ, नाली की कंप्लेंट भी करी मैंने। आप ये देखिए आपके जो पीछे ये हालत, मैं आपको तमाम जो ये देखी क्या हालत इसकी, ये कंडीशन बिल्कुल पूरा ख़राब है, मैंने पूरा देख लिया मैंने कॉलोनी। ये बताइए सफाई कब से नहीं हो रही थी? कम से कम 2-3 साल तो हो गए, मतलब 2-3 साल से सफाई नहीं हो रही है। सफाई तो हुआ नहीं, कितने साल से नहीं हुई। वो उस दिन आया था वो ऊपर जो उड़ा के जो वीडियो बनाता है, वो भी उड़ा वीडियो बना के ले गया, देखने तो आया नहीं। तो ऐसा नहीं है ना, यही बात मैंने बोला। ये एरिया कौन सा मैडम, ये बताइए? ये 3 नंबर वार्ड पड़ते हैं। 3 नंबर वार्ड? 3 नंबर वार्ड है ये हमारा, और ये कैंटर में पड़ता है, ये निगम पार्षद है नेहा जी। हाँ, और ये सरस चौहान जी, सरस चौहान जी MLA यहाँ पे, मतलब उनके एरिया में काम नहीं हो रहा है। वीडियो बना के ले जाओगे, 10 बार तो वीडियो बन के गया, नाली सारा हुआ है, ये नहीं दिखाई देता। ये नाली के लिए बोला था मार्च में बन जाएगी, मार्च की 1 तारीख से बनना काम स्टार्ट हो जाएगा, मगर हुआ नहीं, हुआ नहीं। यहाँ पर कई कंप्लेंट है, बहुत कर ली, अंदर नहीं आते, झाड़ू मारने नहीं आते अंदर, बच्चे बीमार हो रहे हैं, डेंगू हो रहा है, कुछ हो रहा है, अस्पताल भाग रहे हैं। आ जाएगा तो तुरंत चालान काट देगा, जहाँ आपको डरा में पानी था कीड़ा आ गया, ये नाले में कीड़ा है तो नहीं फैल लिया, और नहीं चालान कटेगा, वो कौन काटेगा चालान, उसका भी काटो चालान। मतलब MCD वाले अगर आपके पास आते हैं, वो कहते हैं आपके ड्राम गंदे, तो उसको चलान करके जाते हैं, वो खुद सफाई नहीं करते। ड्राम में पानी हो जाता है, एक आध मच्छर मिल जाएगा तो चलान काट देगा। 5,000 का चलान काट देता है। कितने का? 5,000 का। ये बकरा वाली का 5,000 का चलान काट के गया। 5,000 10,000 तक चलान काट के जाते। सफाई करो, चलान काटो, उसके लिए नहीं है। तमाम जो दिक्कतें हैं आम पब्लिक को झेलनी पड़ रही है। मैम ये बताइए, सबसे बड़ी अहम बात है, अभी दिल्ली सरकार का जो बजट पास हुआ था आप लोगों के लिए, आप लोगों के हित में फैसला था, आप लोग बसों के अंदर फ्री भी चल रहे हो, और दूसरा फेयर आपको 1,000 रुपये मिलेगा, ये बात सही है गलत है ये बताइए मुझे? केजरीवाल जी ने घोषित करा आपको 1,000 रुपये मिलेंगे। 1,000 रुपये मिलता, मेरा तो आदमी भी नहीं है, हम ये पटरी पर पड़े हुए हैं। आने वाली सरकार को प्रधानमंत्री किसको देखना चाहोगे, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? भाई जो गरीब के साथ देगा उसी के देंगे, चाहे वो BJP हो चाहे वो कांग्रेस हो, भाई हम लोग के सुविधा तो देखो, विधवा हो गए में तो सरकार होनी चाहिए, वो 2500 कहेंगे कि आम आदमी वाले की सरकार है। ये नरेला कॉलोनी का ये हाल देखिए, तमाम जो नालियां हैं ये बिल्कुल भरी हुई है, ये देखिए ये हाल है यहाँ पर। मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देखिए क्या हालत है इसे। क्या नाम है सर आपका? सर ये बताइए, जो आप मुझे बता, आपके जो पीछे जो हालत देख रहा हूँ नाली की, जी कितने सालों से है ये बताइए? सर कम से कम 1.5 साल से ऐसे ही है, रोज टेंडर उठा हुआ, लेकिन टेंडर भी बन नहीं रहा है, यहाँ पर बनाने के लिए बोलते हैं कि आएंगे लेकिन बनाने के लिए कोई आता नहीं। ये कौन सी जगह है? पॉकेट 13 सेक्टर है, पूरनवास कॉलोनी। ये बताइए, ये यहाँ पे जो सरकार है, जो आम आदमी की सरकार है, आम आदमी दावा ठोकरी, भाई हमने तो पूरी दिल्ली के अंदर चमका रखा, तो ये हालत में आपको जो लाइव तस्वीरें देखी है
ये हालत है, इसके बारे में क्या कहोगे अभी बताइए? इसके बारे में सर ये क्या कहेंगे, साफ सफाई होनी चाहिए हमारी तरफ से, तो हम क्या कह सकते हैं, साफ सफाई होगी तो हमारी तरफ से सब कुछ सही है। आपको मैं लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए क्या हालत है रोड की, ये देखिए हालत, देखिए नाली की क्या हालत है, ये देखिए, ये देखिए मैं आपको हालत दिखा रहा हूँ, लाइव तस्वीरें नरेला की, देखिए ये देखिए हालत कितनी बुरी है यहाँ की, ये देखिए, ये देखिए गलियों की जो हालत है, ये देखिए कैसी हालत है, ये देखिए पानी बिल्कुल भरा हुआ है, ये रोड की ये हालत है, ये देखिए जो गलियों की जो हालत है, ये देखिए कैसे हालत हो रही है बिल्कुल, देखिए ये देखिए मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये शरद चौहान जी का एरिया है, जहाँ पे ये नरेला का एरिया है, जहाँ पर गलियों में पानी भरा हुआ बिल्कुल, ये देखिए ये हालत है यहाँ के, ये देखिए हालत, देखिए पर मैं दिखा रहा हूँ आपको लाइव तस्वीरें। मैडम ये बताइए कब से सफाई नहीं हो रही है यहाँ पे? भैया साल भर होने जा रहे हैं यहाँ पे, कोई सफाई वाली नहीं आती, ना तो नाली साफ करने आवे ना झाड़ू लगाने वाली आती है, और प्रधान से बोलते हैं तो प्रधान बोलते हैं हमें कुछ नहीं पता, हमसे प्रधान कौन है यहाँ का? काली प्रधान, मतलब आम आदमी का, किस चीज का है? बीजेपी का है। अच्छा, मतलब बिल्कुल सफाई नहीं होती यहाँ पे, कितने सालों से नहीं हो रही है सफाई बताइए? भैया एक डेढ़ साल तो मेरे को ही हो गया देखते देखते, बिल्कुल सफाई नहीं हो रही, प्रधान सिर्फ अपनी गली में ही झाड़ू लगवाता है, अपनी गली में ही वो करवाता है। एरिया कौन सा मैडम? ये एरिया ये नरेला है भैया, नरेला हरिश्चंद्र पर लगता है, नरेला शुक्र बाजार भगत सिंह चौक। ये नरेला पार्क की जो हालत है ये देखिए, ये हालत है इस पार्क की, ये देखिए 6-6 फुट के खड्डे, ये देखिए तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं आपके सारी, इतनी साफ और अगट रही बताइए मुझे, यहाँ तो हो ही नहीं रहा, कम से साल भर सही नहीं हो रहा सा। क्या क्या मतलब देखिए गटर, ये पता गटर में पानी नहीं भरा हुआ, गंदगी स्मेल स्मेल वगैरह भी आती है क्या यहाँ पे? स्मेल आती है क्या? और ये कीड़े चलते हैं, ये तमाम जो सीवर है बिल्कुल भरे हुए हैं, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो पानी भी नहीं जा रहा अंदर, बिल्कुल भरा हुआ है, ये सीवर बिल्कुल भरा हुआ है, इसमें से स्मेल आती है, ये देखिए ये देखो ये सीवर भरा हुआ बिल्कुल, ये देखिए सीवर भरा हुआ बिल्कुल, ये हालत है एमसी, ये सीवर बिल्कुल भरा हुआ है, बहुत स्मेल आती है, ये देखिए, ये देखिए जो हालत है यहाँ पे, तमाम जो हालत है। क्या नाम है आपका? क्या नाम आंटी आपका? मेरा नाम सरीला। आइए बता कब से सफाई नहीं हो रही है, आप ये बताइए मुझे पहले। ये देखिए जो पानी भरा हुआ है, तमाम जो फैमिली को दिक्कत आ रही है, अभी मैं एक के घर पे आया हूँ और वो मुझे अपनी जो हालत दिखाएंगे, जो ये देखो भैया देखो, ये देखिए इनके घरों में भी पानी भरा हुआ है, ये देखिए कितना पानी भरा हुआ, 2-2 फुट पानी भरा हुआ है बिल्कुल, सीवर रुकने की वजह से छत पे पानी है, मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ अभी, ये बताइए इधर भी देख लो भाई, ये तमाम जो फैमिली है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने मतलब परेशान है। मैडम बता क्या दिक्कत हो रही है बताइए आप? पानी का दिक्कत ये है जो गली बाहर निकलने से मजबूर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पेशाब है, खाना सब बह रहा है, बताओ डेंगू वगैरह सारे आ जाते हैं भाई, हम लोग छोटे छोटे लेबर मजदूर के आदमी है, ये छोटे छोटे बच्चे वगैरह बताओ, ये पता यहाँ का जो MLA कौन है? MLA का तो मुझे पता नहीं, ये पता चल रहा है कि वो आम पार्टी के है, झाड़ू के है। आम आदमी सरकार ये कहती है भाई हमारा काम अच्छा है, बिजली पानी सब कुछ बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये 2 महीने हो गए, 2 महीने से घनी परेशानी है, एक मेरा बेटा इन्हें फीवर हो गया तो हरिचंद में ले जाके दिखाया, ठीक है, वहाँ बोले कि भाई तुम्हारे गली में डेंगू वगैरह का शिकायत है। सर मैंने अभी देखी तमाम जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार ये मैं आपको लाइव दोबारा देखी हूँ, ये देखिए घर में बिल्कुल पानी भरा हुआ, ये देखिए, ये देखिए मैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे हूँ फिलहाल, अभी मैं नीचे से ऊपर आया हूँ, ये देखिए हालत कितनी बेकार हो चुकी है, ये देखिए कैसे पानी बिल्कुल रुका हुआ है, बिल्कुल पानी नीचे नहीं जाता, अब इसमें हम लोग भोजन ये बताइए आपने कंप्लेंट करी थी? मैंने कई मरतबा कंप्लेंट किया था सर, कोई इंक्वायरी कुछ भी नहीं हुआ। ये देखिए मैं आपको लाइव तस्वीरें जो नरेला की जो ये हालत है मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कितनी ज्यादा पब्लिक जो परेशान है,
ये नाली जो भरी हुई आपको दिखा रहा हूँ सर, कब से सफाई नहीं होती बताइए मुझे। करीब 3 साल से इस गली में कोई कर्मचारी नहीं आया। 3 साल से मतलब कोई सफाई कर्मचारी बिल्कुल नहीं आया यहाँ पे। गली के अंदर नहीं आता, मेन रोड में आता, वो भी हफ्ते में एक दिन दो दिन, उसके सुबह कभी नहीं दिखाई देगा। मैं आपको तब लाइव तस्वीरें ये दिखा रहा हूँ, जो हालत है ये देखिए, ये देखिए कैसे घर में, ये देखिए कैसे लाइव तस्वीरें हैं, बिल्कुल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए कैसे कैसे कचरा भरा पड़ा, ये देखिए। मैडम ये सफाई होती है? कब से नहीं हो रही सफाई बताइए मुझे पहले। 2020 से नहीं हुई सफाई। दिल्ली सरकार कह रही है कि अभी हम सफाई बिल्कुल होती है, बिजली पानी बिल्कुल सब कुछ फ्री है, तो क्या ये बताइए कुछ है फायदा आपको? मैं ये देखिए जो नाली की बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको। केजरीवाल तो भेजती है मगर बीच में जो घूसखोर है वो खा जाती, तो केजरीवाल बेचारा क्या करेगा? मतलब केजरीवाल सरकार तो मैंने दावा ठोक रही है, मैं तो सफाई बिल्कुल हर कॉलोनी चमका रखी है, रोड पानी सब कुछ। हमारे कॉलोनी में आ जाए केजरीवाल को हम बता देंगे। घूसखोरों ने पहले ही अपने अपने दावा कर रखा है। ये देखिए लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे हालत है यहाँ पे, ये देखिए कैसे गलियों के अंदर पानी भरा हुआ है, ये बताइए। मैम कुछ कहना चाहोगे आप ये बताइए? जब इलेक्शन के टाइम पे जब वोट मांगने के लिए तो आप लोग उनको वोट देते हो, फिर कहते हैं हम आप ये करवाएंगे। मतलब जब तक कोरोना आया तब से तो हमने एक भी कर्मचारी नहीं देखा है सफाई वाला, हमें पता ना हम यहाँ कैसे रह रहे हैं, खुद सफाई करनी पड़ रही है तब जाके हमें रहना पड़ रहा है। इस कॉलोनी की तमाम जो दिक्कत है, साफ सफाई बिजली पानी सब कुछ, मतलब परेशानी हर चीज की, मतलब आपका ये कहना है हर चीज की? अभी बीच में ये खराब हो गया था जिससे हमारा सप्लाई में पानी आता है, कुछ लोग कर्मचारी ठीक करने आए थे, कह रहे इसमें पानी नहीं है, अभी 2-3 दिन से काम चल रहा है, अच्छा पानी है, सब जब पूरे में पानी आ रहा है फुल स्पीड में, बहुत ज्यादा हालत खराब है, ये देखिए। ये देखिए क्या हालत है नाली की, ये देखिए मतलब 6-6 महीने कूड़ा निकाल के छोड़ देते हैं, फिर भी हम सीडी के कर्मचारी बिल्कुल सफाई नहीं करती है यहाँ पे, ये देखिए क्या हालत है, ये देखिए तमाम दिक्कत है इस कॉलोनी के अंदर, बहुत सारी कमियां हैं। ये कि मेन नाला का कंप्लेंट दे दी, ये देखिए मैं आपको हालत जो दिखा रहा हूँ बिल्कुल बुरी हालत है, ये हालत देखिए मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मेरे सामने ठीक ये हरिश्चंद्र हॉस्पिटल है, ये हरिश्चंद्र हॉस्पिटल के सामने बिल्कुल कॉलोनी में हुई है, सेक्टर 10 का पॉकेट पड़ता है, जो लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर।